हो भैया राम कह दे सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे रामचंद्र जी सिया से कह के गए कि भैया ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। यानी जो अच्छे लोग होंगे, जो सभ्य लोग होंगे, वो तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन जो इंसान चतुर चालाक धोखेबाज होगा वो मोती खाएगा। वाह क्या बात है, इसमें कौवे की क्या गलती, इसमें हंस की क्या गलती, जब भगवान राम ही कह के चले गए। ऐसा है हमारा कलयुग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं शादियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, और ये जो मैसेज हैं ये हैं शादी को लेकर, दूसरी शादी, तीसरी शादी। सर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, तीसरी शादी करना चाहता हूं, कैसी होगी मेरी शादी और कैसा होगा मेरा लाइफ पार्टनर, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए पहली शादी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहली शादी को देखा जाता है कुंडली के फर्स्ट हाउस से, लेकिन दूसरी जो शादी है उसको देखा जाता है कुंडली के सेकंड हाउस से, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो सेवंथ हाउस से एट तक है। जहां सेवंथ हाउस की चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं वहां से दूसरी चीजें स्टार्ट होती हैं, यानी जहां पर फर्स्ट मैरिज खत्म होती है वहां से सेकंड मैरिज स्टार्ट होती है, यानी सेकंड हाउस। फिर उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस सेकंड हाउस से एट तक है, यानी जहां पर सेकंड हाउस ट्रांसफॉर्म होता है, सेकंड हाउस की चीजें खत्म होती हैं वहां से नाइन्थ हाउस की चीजें स्टार्ट होती है, यानी थर्ड मैरिज स्टार्ट होती है। अब हमारी दूसरी शादी, तीसरी शादी कैसी होगी, उसको जानने के लिए आपको सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, नाइन्थ हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, या सेकंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड केतु के साथ प्लेस्ड होता है, तो शादी होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और शादी के बाद भी शादी टूट सकती है। लेकिन एक तरीका है इसमें, अगर केतु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, या सेकंड हाउस या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ केतु कहीं पर प्लेस्ड है, तो आप किसी डाइवोर्सी से शादी करो या किसी ऐसे पर्सन से शादी करो जिसने शादी को पहले एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके बाद वहां से उसका सेपरेशन हो गया है। तो ये एक प्रकार की इसकी रेमेडी है। और सेकंड हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट होती है या नाइन्थ हाउस में शनि की प्लेसमेंट होती है, तो ये सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज को डिले कर देता है। सेकंड हाउस के ऊपर, नाइन्थ हाउस के ऊपर, सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी आपकी सेकंड मैरिज जो है वो डिले हो सकती है, या आपका लाइफ पार्टनर आपसे थोड़ा सा एज में बड़ा हो सकता है। राहु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है या नाइन्थ हाउस में होती है, तो सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज करने का योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, और कई बार ऐसे में जो शादियां होती है उसको हमारा जो समाज है वो अलाउ नहीं करता है, यानी ऐसी शादी जिसको हमारा समाज अलाउ नहीं करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस में होता है, तो शादी होने के बाद कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं और कई बार सेपरेशन भी हो जाता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट होता है, तो हो सकता है कि आपकी शादी 45 की एज के बाद हो, लेकिन उससे पहले अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि सेकंड मैरिज हो जाए, थर्ड मैरिज हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आप सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस का जेमस्टोन पहन सकते हैं, उनके लॉर्ड्स का जेमस्टोन पहन सकते हैं, और मंत्रों के द्वारा उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट, जैसे मंगल, मंगल का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस में पड़ता है, नाइन्थ हाउस में पड़ता है, सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, नाइन्थ के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तो आपका सेकंड लाइफ पार्टनर से और थर्ड लाइफ पार्टनर से झगड़ा भी हो सकता है। राहु मंगल का योग अगर सेकंड हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो, तो लाइफ पार्टनर जो होगा आपका सेकंड या थर्ड, वो बहुत ही अग्रेसिव होगा, बहुत ही गुस्से वाला होगा। सूर्य की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है या नाइन्थ हाउस में होती है, या सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है, तब आपका जो लाइफ पार्टनर है बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो सकता है।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। मून की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है, मून अगर अपने एग्जल्टेशन में होता है, नाइन्थ हाउस में मून अगर अपने ओन साइन में होता है या अपने एग्जल्टेशन में होता है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत ही कूल होता है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। गुरु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पड़ता है या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पड़ता है या नाइन्थ हाउस में गुरु की प्लेसमेंट होती है, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ही सभ्य और समझदार होता है और बहुत ईमानदार होता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, तो शादी के बाद काफी गेन होता है। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस में है, केतु के साथ इसकी प्लेसमेंट है, शनि के साथ प्लेसमेंट है, राहु के साथ प्लेसमेंट है, तो शादी के बाद बहुत बड़े बड़े पंगे होते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप उनसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।